हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जिला के डांट गांव में 31 जनवरी 1922 को एक सैनिक परिवार में जन्मे मेजर सोमनाथ शर्मा वीरता और बलिदान की कहानियां सुन सुनकर बड़े हुए थे। देश प्रेम की भावना उनके खून में समाई हुई थी। उनके सैनिक जीवन की शुरुआत 22 फरवरी 1942 से कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन में सेकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में हुई थी। इसी वर्ष उन्हें डिप्टी असिस्टेंट क्वार्टर मास्टर जनरल बनाकर बर्मा के मोर्चे पर भेजा गया, जहां उन्होंने अपनी टुकड़ी का कुशल नेतृत्व किया। भारत की आजादी और विभाजन की कहानी से आप भी परिचित हैं। जम्मू कश्मीर रियासत के राजा हरि सिंह का इरादा अपने राज्य को स्वतंत्र रखने का था, पर उधर सीमा पार कश्मीर को हड़पने की साजिश रची जा रही थी। जब पाकिस्तानी सैनिक कबायलियों के वेश में कश्मीर हड़पने के लिए टूट पड़े, तब राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत के साथ विलय करने का निर्णय लिया। अब जम्मू कश्मीर की रक्षा का दायित्व भारत सरकार का था। सरकार की तरफ से भारतीय सेना की 2 इन्फेंट्री बटालियन 4 कुमाऊं और 1 सिख की टुकड़ी को कश्मीर भेजने का फैसला हुआ। मेजर सोमनाथ शर्मा 4 कुमाऊं की डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर थे और दिल्ली में थे। दिल्ली के दंगों के बंदोबस्त के दौरान उनका बायां हाथ टूट गया था और वो अस्पताल में भर्ती थे। देश की आन बान शान की रक्षा की बात हो तो एक सैनिक कैसे पीछे रह सकता है। जैसे ही मेजर सोमनाथ शर्मा को खबर मिली कि 4 कुमाऊं की जाबाज डेल्टा कंपनी युद्ध के लिए कश्मीर जा रही है, वो प्लास्टर लगे हाथों के साथ ही अस्पताल से भागकर एयरपोर्ट पहुंचे और अपनी डेल्टा कंपनी के साथ जाने की जिद पर अड़ गए। उनके जज्बे और जिद की जीत हुई और वो कश्मीर पहुंचे। कबायलियों के वेश में पाकिस्तानी सैनिकों का जत्था कत्लेआम मचाता हुआ कश्मीर के बारामूला शहर तक पहुंच चुका था। उनका अगला इरादा श्रीनगर हवाई अड्डे पर कब्जा करने का था। उस समय मेजर सोमनाथ शर्मा अपनी डेल्टा कंपनी के साथ नजदीक ही थे और दुश्मनों से लड़ रहे थे। उन्हें हुक्म मिला श्रीनगर हवाई अड्डे की रखवाली का। दुश्मनों की तादाद 700 से भी अधिक थी। उनके पास असला बारूद भी अधिक था, लेकिन हौसले के सामने तो पहाड़ भी सिर झुकाते हैं। अपने ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर मेजर सोमनाथ शर्मा का रेडियो संदेश पहुंचा। दुश्मन हमारे सामने है, सिर्फ 50 गज की दूरी पर। मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और तब तक लड़ता रहूंगा जब तक कि मेरे पास आखिरी जवान और आखिरी गोली है। घमासान लड़ाई हुई, हर तरफ गोलियों की बौछार, लेकिन इतिहास साक्षी बना। शौर्य, पराक्रम और कुर्बानी की एक अभूतपूर्व गाथा लिखी गई। कम सैनिकों और गोला बारूद के बाद भी मेजर सोमनाथ शर्मा की टुकड़ी हमलावरों पर भारी पड़ी। वो 3 नवंबर 1947 का दिन था। मेजर सोमनाथ शर्मा दुश्मन के एक हथगोले की जद में आ गए। उनका पूरा शरीर छलनी हो गया, खून के फव्वारे छूटने लगे, लेकिन भारतीय सैनिक परंपरा में हार ना स्वीकार नहीं, वो लड़ते रहे, दुश्मनों के हर बढ़ते कदम को रोकते रहे। मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपने 55 जाबाज सैनिकों के साथ 700 से अधिक दुश्मनों को 6 घंटे तक रोके रखा, तब तक जब तक भारतीय सेना की अगली टुकड़ी मदद के लिए पहुंच नहीं गई। वो बुरी तरह घायल हो चुके थे, तब भी उन्होंने अपने साथी सैनिकों को आदेश दिया। इस समय मेरी चिंता मत करो, हवाई अड्डे की रक्षा करो, दुश्मनों के कदम आगे नहीं बढ़ने चाहिए। देश के लिए प्राण न्योछावर कर दिया मेजर सोमनाथ शर्मा ने। उनके बलिदान से सैनिकों का खून खौल गया। उन्होंने तेजी से हमला बोलकर दुश्मनों को मार भगाया। मेजर सोमनाथ शर्मा के अलावा हमारे कई सैनिकों ने इस लड़ाई में सुप्रीम सैक्रिफाइस किया। 3 नवंबर 1947 को मेजर सोमनाथ शर्मा अगर अपनी डेल्टा कंपनी के जवानों के साथ श्रीनगर एयरपोर्ट की रक्षा नहीं करते तो शायद कश्मीर हमारे हाथों से निकल जाता। मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत
परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जब भी मेजर सोमनाथ शर्मा की शहादत याद आती है, सिर फक्र से ऊंचा हो जाता है। कभी रानीखेत जाएं तो वहां कुमाऊं रेजिमेंट के म्यूजियम में जरूर जाइएगा। शौर्य की इस अनूठी दास्तान को करीब से देखने जानने का मौका मिलेगा। और अगर आप कश्मीर जाएं तो श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर लगे मेजर सोमनाथ शर्मा के स्टैच्यू को सैल्यूट करना भी नहीं भूलिएगा। जी रहे उनकी बदौलत ही सभी हमशान से, जो वतन के वास्ते यारों गए हैं जान से।